गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्टैंडर्ड प्लस टू, अगेन कंटिन्यू द लेसन द रेड ट्रैप। इससे पहले हमने उस चूहेदानी बेचने वाले को पूरा लेसन पढ़ा, इससे पहले जो आया कि वो घूम फिर कर चूहेदानी बेचता था, गुजारा भी नहीं होता था, छोटी मोटी चोरियां करता था और घूमते घूमते किसी गांव में एक दिन सड़क के किनारे एक क्रॉफ्टर किसान के घर पहुंचा। बूढ़ा आदमी था, घर में कोई नहीं था और उसने इजाज़त दी, रात को खिलाया पिलाया, ताश भी खेली और रात को उसे गाय के दूध से होने वाली इनकम 30 करोनर वो भी दिखाए कि हर महीने इतनी आमदनी हो जाती है और उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन ये रेड ट्रैप, लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है और वो 30 करोनर उसके चुरा लेता है और रास्ते में चलते हुए देखता है कि सड़क पर चलेगा तो कोई उसे पकड़ लेगा, इसलिए वो जंगल में घुस जाता है। लेकिन जंगल इतना भयानक था कि इसमें वो जितना चलता रहा, पूरा दिन घूमता रहा, वो एक ही जगह पर चारों तरफ घूम घूम के एक ही तरफ पर पहुँचता रहा। ठंड थी, अंधेरी रात होने लगी और अब उसे महसूस होने लगा कि जंगल से बाहर ये वो नहीं जा पाएगा और मृत्यु से आके नज़दीक पहुंच गया। थक हार कर ज्यों ही ज़मीन पर लेटा, उसे थप थप की आवाज़ सुनाई दी और उसे महसूस हुआ कि आसपास कोई गांव, कोई फैक्ट्री, लोग होंगे और वो उस दिशा पे चल पड़ा जहाँ पर हथौड़ों की आवाज़ आ रही थी। तो आपने पढ़ा एक रामजसो में आयरन मिल, वहाँ पर लुहार और उसका साथी काम कर रहे थे। तभी उस मिल का मालिक जो आयरन मास्टर आया और उसे गलतफहमी हुई कि ये मेरा मिलिट्री का रेजिमेंट यानी मेरा साथी है और आज इसकी क्या हालात हो रही है, और वो उसे घर जले जाने की कोशिश करता है। क्रिसमस पर पहले ही हमने चर्चा की थी, ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार, जैसे हमारी दीपावली हो और दीपावली के अंदर अनेक प्रकार के हम व्यंजन बनाते हैं और घर में दो चार यदि कोई इस प्रकार गरीब ऐसा हो तो निश्चित रूप से प्रत्येक परिवार उसे बांटने की कोशिश करेगा। और आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा और बेटी ने प्रयास किया, तो क्या प्रयास किया? सी लुक्ड एट हिम कंपेंसेटरी, यानी कि उसने बड़ी, उसकी बेटी थी, उसने बड़ी दया दिखाई विद हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों के साथ, यानी उस पर दया आ गई बेचारे गरीब पर उसके हुलिया को देख के। एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, और तब उसने महसूस किया, लड़की भी समझदार थी, उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये आदमी डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने किसी प्रकार की चोरी की है, और इल्स ही हैज़ बीन एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, और या जेल से भागा हुआ है, यानी उस आदमी के बारे में अंदाज़ा लगाया, या तो इसने चोरी की हुई है और या ये जेल से भागा हुआ है, कोई रेजिमेंट या कोई मिलिट्री से नहीं है। सी थॉट एंड एडिड क्विकली, उसने विचार किया और जल्दी से बोला, यू मे बी श्योर कप्तान, कि आप यकीनन के साथ, यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम, कि आप हमारे साथ उतनी आज़ादी से आएंगे जितनी आज़ादी से आप यहाँ पर आए हैं। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस, केवल क्रिसमस तक हमारे साथ आप रुकें।